आईपीएल के इस सीजन में अभी तक खेले गए लीग स्टेज के मुकाबलों में काफी सारा रोमांच देखने को मिला है, जिसमें रिंकू सिंह की मैच विनिंग पारी अभी तक सबसे यादगार पल रहा है। आईपीएल के 16वें सीजन में अभी तक एक से एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। इस सीजन में ऐसे रिकॉर्ड्स भी बने हैं जिनको लेकर फैंस ने अधिक उम्मीद नहीं की थी। रिंकू सिंह के लगातार 5 छक्कों से लेकर महेंद्र सिंह धोनी का एक टीम से 200 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड, ये सभी कीर्तिमान अभी तक बनते हुए देखने को मिले हैं। रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस सीजन के 13वें लीग मुकाबले में आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाने के साथ अपनी टीम को रोमांचक जीत दिला दी। रिंकू अब आईपीएल में एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैरी ब्रुक 24 साल 53 दिनों की उम्र में आईपीएल में शतकीय पारी खेलने वाले चौथे सबसे युवा विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर क्विंटन डी कोक का नाम है, जिन्होंने 23 साल 122 दिन की उम्र में ये कारनामा किया था। दिनेश कार्तिक के लिए यह आईपीएल सीजन अभी तक बल्ले से कुछ खास नहीं रहा है। अब आईपीएल में सर्वाधिक बार डक पर आउट होने के मामले में दिनेश कार्तिक ने मनदीप सिंह की बराबरी कर ली है। कार्तिक अब तक 15 बार शून्य के स्कोर पर आउट हो चुके हैं। आईपीएल में सबसे तेजी के साथ 4000 रन पूरे करने के मामले में केएल राहुल ने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। राहुल ने सिर्फ 105 पारियों में यह मुकाम हासिल कर लिया। रोहित शर्मा आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले चौथे खिलाड़ी बने, उनसे पहले विराट कोहली, शिखर धवन और डेविड वार्नर इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने एक टीम के लिए 200 या उससे अधिक मैचों में कप्तानी की। धोनी ने यह उपलब्धि चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी करते हुए इस सीजन में हासिल। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इस सीजन में अभी और कौन कौन से रिकॉर्ड टूट सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।